नमस्कार दोस्तों, मैं सहजवीर संतवाद का सुबह सवेरे एक पहल में स्वागत करती हूँ, जिसमें कि हम आपके लिए रोज एक नई पहेली और एक जीक का क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो दोस्तों, हमारी कल की पहेली थी, सात रोज में आता हूँ मैं एक बार, बालकों का हूँ चहेता, वे करते हैं मुझे प्यार, करते हैं वे मेरा इंतजार। और दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है संडे, यानी कि रविवार, जिस दिन कि सारे स्कूल ऑफिस एक्सेट्रा बंद होते हैं, यानी कि हमें हॉलीडे होती है, और इसीलिए बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सभी उस दिन का इंतज़ार करते हैं, ताकि वो अपनी फैमिली के साथ बाहर वेकेशन पे जा सके या कहीं और। और दोस्तों, इसका इसीलिए करेक्ट आंसर होगा संडे, यानी कि रविवार। और दोस्तों, हमारा कल का जीक का क्वेश्चन था, एन अडल्ट ह्यूमन बींग की बॉडी में फुली यानी कि 100% प्रोटीन से कौन सी चीज़ बनी होती है। और दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है, अगर हम बात करें एन अडल्ट ह्यूमन बींग की बॉडी की, तो उसके शरीर में सिर्फ ऐसी दो चीज़ें हैं जो कि प्योर प्रोटीन से यानी कि 100% प्रोटीन से बनी होती है, और वो दो चीज़ें हैं हमारे हेयर यानी कि हमारे बाल, और हमारे नाखून यानी कि हमारे नेल्स, जो कि प्योर प्रोटीन के बने होते हैं यानी कि 100% ऑफ प्रोटीन। और दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर दिया है लगभग सभी ने। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा आज का जीक का क्वेश्चन। तो दोस्तों, हमारा आज का जीक का क्वेश्चन है, दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर के या अक्सर जम्मू के जो लोग हैं वो अपने नाम के पीछे डोगरा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का जीक का क्वेश्चन भी इसी पे रिलेटेड है, और हमारा दोस्तों आज का जीक का क्वेश्चन है कि वो डोगरा शब्द क्यों यूज करते हैं, यानी कि इसका मेन रीजन क्या है डोगरा शब्द यूज करने का। तो इसका आंसर दीजिएगा जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारी आज की पहेली। तो दोस्तों, हमारी आज की पहेली है, छिलके को दूर हटाते जाओ, बड़े स्वाद से खाते जाओ, इतना पर ध्यान रखना, छिलके इसके दूर ही फेंकना। तो दोस्तों, इसका आंसर दीजिएगा जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में।